हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार चौधरी आप सभी का ई एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए आइए, हम जैसा कि हमने देखा पार्ट वन कल का, तो आज हम देखेंगे डायरेक्शन का पार्ट टू, जिसमें हम समझने वाले हैं शैडो का कॉन्सेप्ट। शैडो का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। शैडो का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसे छाया बोलते हैं। शैडो का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे आज, जिसे हम क्या बोलते हैं, छाया। देखिए बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए आइए, नहीं दिख रहा होगा ऊपर, तो चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, सॉरी, चलिए मैं नीचे ही लिख देता हूँ। शैडो का कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं। चलिए आइए, हम देखेंगे आज शैडो का कॉन्सेप्ट, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, शैडो का कॉन्सेप्ट, छाया जिसे बोलते हैं, ठीक है? समझिए, कल हमने डायरेक्शन पार्ट वन पढ़ा था, आज पार्ट टू शैडो का कुछ क्वेश्चन भी करेंगे शैडो के कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है? तो चलिए शैडो का कॉन्सेप्ट देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, देखिए इसमें मॉर्निंग की बात ना हम पहले लेते हैं, मॉर्निंग सुबह की बात करते हैं। मॉर्निंग की बात करेंगे तो आपको पता होगा क्या, ध्यान दीजिएगा इस पे, इसको बोलते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं वेस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ, इसको बोलते हैं साउथ। मॉर्निंग में आप लोग को पता होगा क्या, मॉर्निंग आप लोग को पता होगा क्या, मॉर्निंग में सनराइज किधर से होता है, ईस्ट से होता है। एक बात आप लोग ध्यान रखना, सनराइज ईस्ट से होता है, मतलब इस साइड जो ये साइड है ये कभी छाया नहीं बनाएगा, ध्यान रखना इसका, ये कभी क्या है आपका, छाया नहीं बनाएगा, ये पोर्शन कभी क्या है, छाया नहीं बनाने वाला, ठीक है? यहाँ पे छाया नहीं बनेगी, जो भी आपका बनेगा इस रेंज में आपका छाया बनने वाला है, इसका मतलब आप ध्यान देना, अगर कोई यहाँ व्यक्ति है, कोई यहाँ व्यक्ति है, यहाँ सन की तरफ देख रहा है वो, तो इसका जो छाया बनेगा इस साइड बनेगा इसके पीछे के साइड, इस चीज को याद रखना। मॉर्निंग की मैं बात कर रहा हूँ, सुबह सुबह की मैं बात कर रहा हूँ ये, ठीक है? क्लियर है? सुबह सुबह की मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ, क्लियर है इतना? चलो अब देखना, ये मैं सुबह सुबह की बात कर रहा हूं तो ये कंडीशन बनेगा हमारा, ठीक है? अब देखना, सुबह सुबह की बात हुई तो ये कंडीशन बनेगा। अब ध्यान देना, कोई व्यक्ति है जो नॉर्थ दिशा में देख रहा है, अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हैंड ये हुआ, लेफ्ट हैंड, इसका मतलब उसके लेफ्ट हैंड साइड जो छाया बनेगी। अगर कोई व्यक्ति साउथ में देख रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ, अगर नीचे कोई देखता है तो ये राइट ये लेफ्ट होता है, उसके राइट दिशा की तरफ क्या बनेगी, उसकी छाया बनेगी, ठीक है? क्लियर है इतना? उसकी देखिए थोड़ा मेरा तबीयत खराब था, इसीलिए पीछे कुछ क्लासेस नहीं हुई, बट अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, घबराने की बात नहीं है बिल्कुल। अब मैं ठीक हो के आ गया हूँ, अब देखिए हेल्थ पे तो ठीक है, कमांड है, बट कभी कभी हो जाता है। तो साउथ की तरफ कोई देख रहा है तो इसकी छाया किधर बनेगी, ये राइट के साइड बनेगी, क्लियर है? अगर कोई बंदा वेस्ट की तरफ देख रहा है, पश्चिम की तरफ, तो उसकी छाया उसके आगे बनेगी, नहीं तो वेस्ट में बनेगी, क्या बोल सकते हैं, वेस्ट में बनेगी, ठीक है? अगर कोई सन की तरफ देख रहा है तो उसकी भी छाया किधर बनेगी, वेस्ट में बनेगी, क्लियर है? इतनी चीजें क्लियर हैं? हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, ये सुबह सुबह की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं, ये हम मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, क्लियर? ये हम कब की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है इतनी ना चीजें? देखिए शैडो चैप्टर बहुत ही आसान है, छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए मैं आज इसको कराना चाह रहा हूँ। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखें, बस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। मैं चार पांच क्वेश्चन करा दूंगा, आपका शैडो का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होने वाला है, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखो, शैडो का चैप्टर बहुत आसान है, हमें लगता है आधे घंटे में फिनिश हो जाएगा, ठीक है? चलो आओ देखो, तो ये मॉर्निंग की बात है, एक बार और समझ लेते हैं। मॉर्निंग में सनराइज के ईस्ट में होता है, और जो भी शैडो बनेगा इस साइड नहीं बनेगा जिधर सन होगा, पहली बात ये जानो, शैडो किधर बनेगा जिधर सन नहीं होगा, इस लाइन के नॉर्थ और साउथ के इस साइड बनेगा। तो जो भी बनेगा, अगर बंदा यहां से देख रहा है सन की तरफ, तो उसकी छाया पीछे या वेस्ट में बनेगी, कोई वेस्ट में देख रहा तो इसकी छाया इसके आगे या वेस्ट में बनेगी, नॉर्थ में दे रहा था ये राइट ये लेफ्ट हुआ तो इसके लेफ्ट में बनेगी, जो छाया का रेंज यही है, सिक शैडो का रेंज क्या है, यही है शैडो का रेंज हमारा क्या है, ये है, ठीक है? शैडो का रेंज क्या है हमारा, ये है, कोई साउथ में देख रहा है तो किधर बनेगी, राइट के साइड बनेगी, क्लियर है? किधर बनेगी, राइट के साइड बनेगी, क्लियर?
चलो ये हमारा था कब की बात है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये मॉर्निंग की बात हो रही है, कब की हो रही है, मॉर्निंग की बात हो रही है, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे चलते हैं हम लोग, इवनिंग की बात करते हैं। आइए इवनिंग में क्या हाल होगा, चलो आओ अब हम इवनिंग की बात देख लेते हैं, शाम की बात देख लेते हैं हम लोग, शाम के समय क्या होगा। चलो आओ इवनिंग की बात हम सम करते हैं, अब इवनिंग की हम बात करते हैं, इवनिंग मतलब शाम की बात करते हैं। शाम को जो सूर्य होता है सबको पता है किधर होता है, पश्चिम की तरफ होता है, किधर होता है, एक मिनट, शाम का जो सूर्य होता है किधर होता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इस साइड होता है शाम के समय सूर्य। कॉन्सेप्ट लो आप लोग, कॉन्सेप्ट लो, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो इसके क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, शाम के समय सूर्य इधर होता है तो जो भी साइडो है इधर कभी नहीं बनेगी जिधर सन रहेगा, यह साइडो का प्लेस नहीं है। जो भी साइडो बनेगी इस रेंज में बनेगी, ये जो है साइडो का रेंज है, इधर सारी छाया बनेगी। अब देखो कोई यहाँ पे है जो किधर देख रहा है, सन के तरफ देख रहा है, तो उसकी छाया हमेशा ईस्ट में बनेगी या तो इसके पीछे बनेगी। इस चीज को डायरेक्ट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा गया था एक बार कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शाम के समय सूर्य की तरफ देख रहा है, सूर्य की तरफ देख रहा है तो उसकी छाया किधर बनेगी, ईस्ट में बनेगी। किधर बनेगी, ईस्ट में बनेगी या इसके पीछे बनेगी, ठीक है। कोई ईस्ट में देख रहा है तो उसकी छाया उसके आगे बनेगी फ्रंट में, या तो ईस्ट में बनेगी बोल सकते हो, या तो ईस्ट में बनेगी पूरब में बनेगी, क्लियर। कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में देख रहा है किधर देख रहा है, कोई व्यक्ति आपका किधर देख रहा है, नॉर्थ के तरफ देख रहा है, तो ये बताइए कोई नॉर्थ में देख रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट, तो उसके दाहिने साइड साइडो बनेगी राइट साइड। कोई साउथ में देख रहा है, कोई साउथ में देख रहा है तो क्या हो गया, ये राइट ये लेफ्ट, तो उसके लेफ्ट के साइड साइडो बनेगी। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, इवनिंग के टाइम में सूर्य रहता है आपका वेस्ट में, अगर उसकी छाया अगर बोलेगा कोई नॉर्थ में बननी है तो उसके दाहिने बनेगी, कोई राइट साउथ देख रहा है तो उसके बाएं बनेगी, और कोई ईस्ट से देख रहा है तो ईस्ट में बनेगी, या तो सूर्य के तरफ देख रहा है उसके पीछे बनेगी या तो ईस्ट में बनेगी। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग याद रखना, इवनिंग एंड मॉर्निंग का, बस सारा काम जो होना है इस लाइन पे ही होगा, नॉर्थ एंड साउथ लाइन पे। जब भी साइडो बनेगी, अगर सूर्य इधर है तो इस साइड बनेगी, सूर्य इधर है तो इस साइड। अब आती है एक कॉन्सेप्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चलो जल्दी से, फिर इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। चलो देखो हमें लगता है कि ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो एक बात और ध्यान रखना आप लोग, एक बात होती है आफ्टरनून का, आफ्टरनून मतलब दोपहर में कोई पूछ दिया कि सर छाया किधर बनेगी, तो इस चीज को याद रखना, दोपहर में छाया जो बनती है आपके हेड पे बनती है, आपके एकदम बीच सर पे बनती है, जो भी बनती है एकदम हेड पे बनती है, उसकी कहीं छाया ही नहीं बनेगी। एकदम हेड पे सूर्य रहता है आपके दोपहर में तो उसकी छाया नहीं बनती, इस चीज को भी आप क्या करना ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बार और सुन लो, मॉर्निंग में जो सूर्य होगा ईस्ट में होगा, अगर मॉर्निंग में जो ईस्ट में होगा तो ध्यान देना इधर सूर्य बनेगा और छाया इधर बनेगी। ये इवनिंग की बात हुई थी तो सूर्य किधर है, वेस्ट में है, तो जो छाया बनेगी वो पूरा टोटली इधर बनेगी, ठीक है, इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। अगर ऊपर देख रहा है तो, ऊपर देख रहा है तो राइट लेफ्ट, अगर मान लो ये नीचे देख रहा है, सब सब कुछ दैट, जब नीचे देखेगा तो ये राइट ये लेफ्ट हुआ, नीचे की तरफ देख रहा है साउथ की तरफ, ये राइट ये लेफ्ट हुआ, क्लियर है। इसका मतलब बाबू क्या हुआ, इधर राइट लेफ्ट की तरफ फिर छाया बनेगी। मान लीजिए कोई ऊपर यहां से देख रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट, तो फिर इसके राइट की तरफ छाया बनेगी, इस चीज का ध्यान रखना। बस जो भी छाया बननी है, जो भी साइडो बनना है वो इधर नहीं बनेगा, किधर बनेगा, हमेशा इधर बनेगा, इस चीज का आप लोग ख्याल रखना, क्लियर है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मॉर्निंग में और इवनिंग में एंड आफ्टरनून में तो छाया साइडो बनती नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि सर एकदम हेड पे आपके क्या रहता है, सूर्य रहता है उस टाइम, इस चीज का ध्यान रखना। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्वेश्चन अब कराता हूँ, चलो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो हम लोग अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। आओ पहला क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं स्क्रीन पर, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर वन, इस पे 4-5 मैं क्वेश्चन कराऊंगा, एकदम से क्लियर हो जाएगा। चलो आओ। मैं 4-5 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ, इस चीज को आप लोग को क्लियर हो जाएंगे। आओ पहला क्वेश्चन ये है। वन मॉर्निंग, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, आफ्टर सनराइज आर एंड एफ नाम है कोई, वर स्टैंडिंग इन ए लॉन, इन ए लॉन, लॉन विथ देयर देयर बैक्स टूवर्ड्स इच अदर। अभी मैं क्वेश्चन को समझाऊंगा। टूवर्ड्स इच अदर, फुल स्टॉप, आर शैडो फेल्स, फेल एग्जैक्टली एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। मैं हिंदी में भी अभी बता दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड विच डायरेक्शन, विच डायरेक्शन वॉज एस फेसिंग, किस दिशा में एस फेस कर रहा है। ऑप्शन आपका है पहला ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ, चलिए इसको ट्राई कीजिएगा, चौथा साउथ। चलिए इसका आंसर बताइएगा, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ आप क्वेश्चन को। चलिए आइए देखिए। वो एक सुबह, वन मॉर्निंग, सूर्योदय के बाद, आर एंड एस एक नाम है, स्टैंडिंग है एक लॉन में, लॉन बोले तो आप लोग देखे होंगे शादी विवाह का जो लॉन होता है उसमें, एक दूसरे के विथ देयर कर लो यहाँ पे, विथ देयर है ना, एक मिनट छूट गया है, विथ हाँ देयर टी एच ई आई आर, ठीक है टी एच ई आई आर, विथ देयर बैक्स मतलब एक दूसरे के पीठ पीछे करके खड़े हैं, टुवर्ड्स इच अदर, तो बताना है, बोला है आर का शैडो है जो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा है, तो आपको बताना है कि एस का दिशा क्या है, किस तरफ फेस कर रहा है, एस का दिशा क्या है, किस तरफ फेस कर रहा है, बताना है आंसर आप लोग। बहुत आसान का क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ, चौथा ऑप्शन है साउथ। चलो बहुत छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखना, छोटा सा टॉपिक है, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। चलो आओ देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान देना, मॉर्निंग की बात की गई है, यहाँ पे बना लो आप लोग, क्या बना लो, ईस्ट, इस चीज को बना लो आप लोग, क्या है इस चीज को बना लो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। अब ध्यान देना, मॉर्निंग की बात है तो सन मॉर्निंग में किधर रहता है, ईस्ट साइड, मैंने कॉन्सेप्ट शुरू में दिया है आपको, सन किधर रहता है, ईस्ट साइड रहता है, किधर रहता है, ईस्ट में रहता है, मॉर्निंग साइड, क्लियर है, मॉर्निंग साइड सन किधर रहता है, ईस्ट में रहता है, इतना तो क्लियर होगा। अब देखो मैंने बोला है जिधर सन रहेगा उस एरिया में छाया नहीं बनेगी, मतलब छाया का एरिया ये है पूरा टोटल। अब कह रहा है कि इस आर और एस है जो लॉन में एक दूसरे के पीठ, मतलब झगड़ा हो गया दोनों, क्या है बैक्स टूवर्ड्स इच अदर, एक दूसरे के पीठ पीछे खड़े हैं, ये देखो कैसे खड़े होंगे, एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह इधर होगा, तभी तो पीठ पीछे होंगे, एक इधर देख रहा है मुंह
और एक नीचे की तरफ देखा, तभी तो एक दूसरे के ऐसे हुए पीठ पीछे। ठीक है, तो वो बता रहा है कि आर का जो शैडो है, अगर ये ऊपर देख रहा है तो ये राइट हैंड हुआ, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक है, इधर तो छाया बननी नहीं है भाई, इधर तो छाया बननी नहीं है जब सन सुबह की बात है। तो बोल रहा है कि आर का शैडो है एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड है। किसके आर की शैडो है जो उसके लेफ्ट हैंड साइड है, ये बताओ। ये तो नीचे अगर आर देखेगा तो यहाँ पे तो राइट हैंड साइड शैडो बन रही है, अगर ऊपर देखेगा तभी तो काम होगा। मतलब आर कहाँ देख रहा है, ऊपर की साइड देख रहा है, इसका मतलब एस किधर देख रहा है, नीचे के साइड देख रहा है। आर इधर देखेगा तभी तो इसके लेफ्ट साइड ये शैडो बनेगी, और ये इधर देख रहा है मतलब इस साइड बनेगी। तो ठीक है, तो मतलब एस किधर देखा, नीचे की तरफ देखा, साउथ की तरफ। हमारा आंसर कौन सा होगा, साउथ इज राइट आंसर, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ एस किधर फेस कर रहा है। तो एस का फेस जो होगा किधर होगा, एस का फेस जो होगा वो साउथ दिशा है, मतलब नीचे के साइड होगा। ध्यान देना, आर्क साइड ऑफ फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, उसके लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो कर लियो, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। चलो चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, आओ जल्दी से। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, आप लोग को मुझे आशा है समझ में आएगा। समझ में आ गया ना, चलो जल्दी से चलो आगे क्वेश्चन। मॉर्निंग की बात करेगा तो आप कुछ नहीं करोगे, चुपचाप बना लोगे सन किधर होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन। वन मॉर्निंग, दो मॉर्निंग का क्वेश्चन करेंगे, दो इवनिंग का, आपका क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन में घबराना नहीं है, प्रैक्टिस सेशन में मैं और भी क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये नहीं सोचना कि इतना ही क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं आपको कॉन्सेप्ट अभी बिल्डअप कर रहा हूं, हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बेसिक मैं दे रहा हूं। ठीक है, और डेली मेरा क्लास आपको 2 बजे टाइमिंग में बता रहा हूं, 2 बजे या 2:15 में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप लोग डेली प्रेजेंट रहो लाइव क्लास के लिए। ठीक है, जितने लोग भी हो पेड क्लास में, अब आपका क्लास एकदम रेगुलर चलेगा मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहेगा, ये मंडे टू फ्राइडे में क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, वन मॉर्निंग, और कभी कभी आपको संडे में मैराथन भी देखने को मिल सकता है। आफ्टर सनराइज राहुल वॉज, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा, राहुल वॉज स्टैंडिंग 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 फेसिंग अ पोल, द शैडो ऑफ द पोल पोल फेल एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, टू हिज राइट, टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, वॉज ही फेसिंग। ठीक है, वॉज ही फेसिंग, क्लियर है, वॉज ही फेसिंग लिखना। आगे ऑप्शन है हमारा ईस्ट, जल्दी से करो क्वेश्चन को, वेस्ट, कॉन्सेप्ट मैं दे दिया हूं, मॉर्निंग होगा तो ईस्ट में बनाना, तीसरा साउथ, चौथा डाटा इज इन एडवोकेट, मतलब आंकड़े अधूरे हैं। चलो बताना इस क्वेश्चन का आंसर, आंकड़े क्या है, अधूरे हैं। चलो बताओ जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत आसान सा है, चलो जल्दी बता दो। चलो जल्दी बता देना इसका आंसर, और भी क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ कौन कौन सा कराना है आपको। चलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, जल्दी से मैं और भी क्वेश्चन देख लूं।
चलो आओ देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कर लियोगे मुझे आशा है। चलो सभी लोग देखना ध्यान से, समझना ध्यान से इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है। मॉर्निंग की बात किया है, क्या बात किया है, मॉर्निंग की। बना लो भैया, मॉर्निंग में सन किधर रहता है, ईस्ट में रहता है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इधर सन रहेगा मतलब सारा साइडो किधर बनेगा, इधर बनेगा, इतना ध्यान रखना। मॉर्निंग में सन इधर रहता है, इस चीज को मैंने बताया है आपको, मॉर्निंग में सन किधर रहता है, इधर रहता है, ठीक है। अब ध्यान देना, मॉर्निंग में सन किधर रहता है, इधर रहता है, अब ध्यान दो आप लोग, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, सूर्योदय के बाद, राहुल स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल, राहुल एक पोल को फेस कर रहा है, एक ध्रुव को क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, क्लियर है। तो बताइए, शैडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, और राहुल के एकदम दाहिने हाथ में उस पोल का शैडो बन रहा है। अब देखो दो कंडीशन बनेगा, ध्यान रखना। मान लो ये पोल है, सपोज दैट, और ये इधर से देख रहा है, या तो ये इधर से देख रहा होगा, ये पोल होगा। तो ये बताओ, अगर कोई इधर से देख रहा है तो ये राइट, ये लेफ्ट, क्लियर है इतना। और बोल रहा है राहुल के दाहिने हाथ में जो शैडो बनेगी वो पोल का रहेगा। तो ये तो राहुल अगर ऊपर देख रहा है तो इस साइड तो शैडो बनने वाली नहीं है, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में शैडो चले जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत। अगर राहुल नीचे की तरफ देख रहा है तो ये राइट, ये लेफ्ट, यही दो कंडीशन में, मतलब इसके राइट साइड में ये शैडो बन रही है, मतलब ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। यहाँ पे पोल होगा और यहाँ नीचे की तरफ राहुल देख रहा होगा, तो ये राइट, ये लेफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और इसके दाहिने साइड में इस पोल की शैडो बनेगी। तो राहुल किधर देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण दिशा में देख रहा है, साउथ के दिशा में देख रहा है, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैंने करा रखा है, ठीक है, मैंने इस चीज को करा रखा था, ठीक है। चलो देख लो, कुछ नहीं था, दो कंडीशन बन रही थी, पोल इधर है, राहुल ऊपर देख रहा हो या नीचे देख रहा हो, तो अगर ऊपर देख रहा हो तो राइट लेफ्ट ये हो जाएगा, अगर कोई ऊपर देख रहा तो उसका राइट ये लेफ्ट, में बता दिया हूँ, पार्ट वन में देख लेना, ये लेफ्ट में, नीचे देख रहा तो इसके राइट में ये बनेगा, मतलब ये कंडीशन यहाँ लगेगा, और इधर क्योंकि इधर साइड हो तो बननी नहीं है, तो गलत हो जाएगा, इधर साइड हो मतलब उसके राइट साइड, मतलब नीचे देख रहा है, मतलब साउथ की तरफ, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाक से, अब दो क्वेश्चन इवनिंग पे कर लेते हैं, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ठीक है, सब क्लियर है, चलो आओ अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ, कुछ दिन में आप लोग को टेंशन नहीं लेना, आप लोग को स्क्रीन पर भी आप लोग का क्वेश्चन दिखेगा, अभी थोड़ा लिख रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल इश्यू, तो इससे ठीक हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, आइए लिखना क्वेश्चन है ये, इन एन इवनिंग, अब इवनिंग की बात कर रहा हूँ, इन एन इवनिंग ए एंड बी, कोई नाम मैं नहीं लिख रहा हूँ, ए एंड बी नाम दे दे रहा हूँ, आर वॉकिंग, टहल रहे थे, आर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, टूवर्ड्स ईच अदर एट दैट टाइम टाइम शैडो ऑफ ए इज टूवर्ड्स हिज राइट, टूवर्ड्स हिज राइट, फुल स्टॉप, फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन बी इज फेसिंग नाउ, दिस इज द क्वेश्चन, ऑप्शन इज वन ईस्ट, सेकेंड वन इज नॉर्थ, थर्ड वन इज वेस्ट, फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, क्लियर है। चलो बताना, ये क्वेश्चन है, इन एन इवनिंग, एक शाम को ए और बी एक दूसरे के तरफ चल रहे थे,
तो बताना है एट दैट टाइम द शैडो ऑफ ए, ए का शैडो उसके दाहिने तरफ पड़ा, तो बताना है कि बी किधर फेस कर रहा है। सिंपल सी बात है, एक चीज ध्यान देना, इवनिंग में, इवनिंग में सन किधर रहता है, मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया। ऐसे निकालना कि इवनिंग में सन किधर रहता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। इसमें देखिए आपका आप चैप्टर धीरे धीरे पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा, घबराने की बात नहीं। सीजीएल एग्जाम से पहले आपका 4 से एग्जाम क्लियर है, हम पहले ही कंप्लीट कर देंगे बहुत अच्छे से। कोडेड हमने पढ़ लिया, ब्लड रिलेशन पढ़ लिया, देख लेना, और भी पढ़ा देंगे अच्छे से। क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करा देंगे 4 दिन पहले, 5 दिन पहले एक आप लोग का एग्जाम से, ठीक है। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहिए, क्लासेस चलेंगी। अब हेल्थ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इसीलिए आवाज भी भारी लग रही होगी, कोई बात नहीं, तो आप लोग इसका ध्यान देना, ठीक है। चलो देखना आप लोग इसको प्लीज। ये क्वेश्चन है, इवनिंग की बात कर रहा है, इवनिंग में सन किधर रहता है, एक बात बताओ। इवनिंग में सन इधर रहता है ना, सन किधर रहता है, इधर रहता है। अब देखना इवनिंग में सन इधर रहता है। ए एंड बी वॉकिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक बात ध्यान देना, जो भी काम होगा इस लाइन, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, ये इधर से चला, ये इधर से, तभी तो एक दूसरे की तरफ चलेंगे। अगर यही बोलता है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भाई एक इधर रहता है एक उधर रहता है, ध्यान देना एक दूसरे की तरफ ये चल रहे हैं, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ बोल रहा है वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर, ये इस बात का ख्याल रखना। अब बोल रहा है, अब ये नीचे चल रहा है तो इसका हमने बोला इधर साइडो नहीं बनेगा, कॉन्सेप्ट मैंने दिया है, इधर सारा साइडो का प्लेस ये है, ये एरिया इस लाइन से इधर। अब ये नीचे देख रहा है तो इसका राइट ये, लेफ्ट ये, ऊपर देख रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट, ये दोनों तो कट गया, इधर नहीं बनेगा साइडो, इधर नहीं। अब क्या बोल रहा, ए का साइडो उसके दाहिने तरफ बन रहा है, मतलब एक बात बताओ, ये तो लेफ्ट हुआ, अगर ए को यहाँ रखोगे तो उसके लेफ्ट की तरफ साइडो बनेगा, तो हमें ए का प्लेस यहाँ रखना पड़ेगा ताकि ए के दाहिने में ये साइडो बन रहा है पूरा। अब बताना है बी किधर फेस करेगा, तो बी ये रहा ना, बी तो यहाँ पे रहेगा, बी कहाँ रहेगा, यहाँ पे रहेगा, नीचे देख रहा है मतलब साउथ दिशा में देखेगा, तो यहाँ ईस्ट है, नॉर्थ है, वेस्ट है, नन ऑफ दीज है, तो ये नन ऑफ दीज होगा क्योंकि यहाँ पे क्या रहना चाहिए था, साउथ। इधर देख रहा है साउथ की तरफ देख रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा है, क्लियर हो गया, चीजें क्लियर है। देखो एक बार और मैं समझा देता हूं इसको, जब भी बात करेगा क्या, इवनिंग की बात करेगा, शाम के समय की बात करेगा, तो इधर सूर्य रहता है और इसी लाइन पे बोल रहा है कि एक दूसरे की तरफ ये चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ क्या है, ये चल रहे हैं, क्लियर है। अब देखना एक दूसरे की तरफ जब ये चल रहे हैं, इस बात का ध्यान देना, एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं, जब चल रहे हैं तो ऐसे बनना पड़ेगा, दूर जाते तो नीचे की तरफ, साइडो सारा इधर नहीं बनेगा, इधर बनेगा, तो ये नीचे देख रहा तो ये राइट ये लेफ्ट, ऊपर देख रहा तो ये राइट ये लेफ्ट, इधर तो साइडो बनेगा नहीं, कट हो गया, लेफ्ट एंड राइट बचा। बोल रहा है ए का साइडो उसके राइट में बन रहा है, मतलब यहां रखेंगे ए को तो इसके दाहिने, तो बी को यहां रखना पड़ेगा, बी नीचे देख रहा है, इसका मतलब साउथ दिशा में, ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दिस, ओके क्लियर है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये 4-5 क्वेश्चन देख लेना, प्रैक्टिस सेशन में और भी क्वेश्चन कराएंगे, मैं इवनिंग और मॉर्निंग का करा रहा हूँ, इसमें और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे कि अगर साइडों में आ जाए डायरेक्शन चलने का तो कैसे करेंगे, उसका भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम कराएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो मिटा रहा हूं मैं इसको। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, साइडो का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, साइडो का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया, सभी लोग फटाफट आ जाओ। चलो इन एन इवनिंग, देखो इवनिंग से मैंने दो करा दिया, मॉर्निंग से दो, आफ्टरनून में कुछ बनता नहीं है तो आफ्टरनून से कराने की जरूरत नहीं है। इन एन इवनिंग ए एंड बी, मैं नाम नहीं, चलो नाम ले रहा हूं आकाश, इन एन इवनिंग आकाश एंड जारा वर स्टैंडिंग बैक बैक टू ईच अदर, बैक टू ईच अदर एट दैट टाइम, उस समय, मैं हिंदी में अभी ट्रांसलेट करूंगा, शैडो ऑफ आकाश
इज टूवर्ड्स हिज राइट देन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन आकाश इज फेसिंग नाउ. ऑप्शन इज हेयर ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है वे नॉर्थ, तीसरा ऑप्शन है वेस्ट, चौथा ऑप्शन है साउथ. चलो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, चलो बताना जल्दी से. कॉन्सेप्ट मैंने दे दिया है, ध्यान देना मैं हिंदी में बोल रहा हूं. एक शाम का समय था, आकाश और जारा एक दूसरे के पीठ पीछे झगड़ा हो गया था, एक दूसरे के बैक साइड खड़े थे, स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर. उसी समय आकाश का जो छाया है उसके दाहिने तरफ पड़ रही थी, उसके राइट साइड में. आकाश की छाया कहाँ पड़ रही थी? उसके राइट साइड में. क्लियर है? उसके राइट साइड में पड़ रही थी. तो आपको बताना है कि आकाश किस दिशा की तरफ फेस कर रहा है. इवनिंग की बात है, फटाक से बना लो जल्दी से. चलो और देखो, आप लोग का मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाइमिंग 2 बजे है, आ जाए करो डेली, क्लास हो जाएगी. ठीक है? नहीं आओगे, देखो कल नहीं आए थे आप लोग, तो आप लोग को पता चल जाएगा. अब आप लोग का पेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है. ठीक है? तो इस चीज का आप लोग को मंडे टू फ्राइडे क्लासेस मिल जाएंगी लाइव, उसके बाद अपलोडेड वीडियो भी मिल जाएंगे आप लोग को किसमें, सैटरडे और संडे के, ताकि आप लोग का दिन लॉस ना हो. ठीक है? तो थोड़ा तबीयत खराब था इसीलिए मैं पीछे 3 दिन क्लास नहीं लिया. आप लोग देख रहे हैं ना, ब्लड रिलेशन का भी मैंने कर दिया है, कोडिंग डिकोडिंग भी, अब डायरेक्शन, फिर हम लोग चलेंगे सीटिंग अरेंजमेंट, बहुत चीजें हमें पढ़नी है. चलो जल्दी जल्दी आ जाओ. चलो आओ देखो क्वेश्चन. इवनिंग की बात की गई है, इवनिंग का मतलब शाम का समय. शाम के समय में सूर्य किधर रहता है? वेस्ट में. ठीक है? मैं बोला हूं कि इसके इस लाइन के इधर सभी छाया बनेगी, इस लाइन के उधर बनेगी. ठीक है? और देखो आकाश और जारा है जो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब यहाँ ये एक दूसरे के अपोजिट मतलब उल्टा खड़े हैं, एक इधर का मुंह है एक इधर का, झगड़ा हुआ है दोनों में, क्या एक दूसरे के उल्टा खड़े हैं अपोजिट. लेकिन ये नहीं पता है कि आकाश कहाँ खड़ा है, जारा कहाँ खड़ी है, अभी नहीं पता हमें कुछ. ठीक है? ईच अदर एट दैट टाइम शैडो ऑफ आकाश. अगर ऊपर कोई देख रहा है तो ये राइट ये लेफ्ट, नीचे है तो ये राइट ये लेफ्ट. क्लियर है? इधर तो छाया बनेगा नहीं, तो ये चीज कट हो गया. अब बोल रहा है आकाश की छाया है जो उसके दाहिने तरफ बन रही है. अगर ये बताओ आकाश अगर यहाँ रखें तो ये तो लेफ्ट साइड दिख रहा है, यहाँ एक बचा हुआ आकाश को हमें यहीं रखना पड़ेगा ताकि उसके दाहिने की साइड, ये राइट के साइड यहाँ पे इसकी शैडो बने. ठीक है? तो पूछ क्या रहा है कि आपको बताना है आकाश किधर देख रहा है. आकाश किधर? ऊपर देख रहा है मतलब नॉर्थ की दिशा में देख रहा है, उत्तर की दिशा में देख रहा है. अगर तो आकाश यहाँ देखा तो जारा कहाँ दिखी? यहाँ, मतलब नीचे की तरफ देखी. तो अगर जारा का पोजिशन पूछता तो हम इजिली क्या कह देते, जारा किधर देख रही है? नीचे की तरफ देख रही है, मतलब साउथ के डायरेक्शन के साइड. देखिए जब भी शैडो में आपका क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा ही बनेगा. ठीक है? हमने इवनिंग और मॉर्निंग पे दोनों तरह के क्वेश्चन देख लिए हैं, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. और आफ्टरनून जब भी पूछेगा तो उसकी शैडो नहीं बनती, वो आपके हेड पे रहता है, सर पे रहता है इसकी छाया. ठीक है? और भी इसके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो आप लोग एकदम बढ़िया से बिंदास से तैयारी एकदम स्टार्ट कर दो रीजनिंग का. कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, नंबर ऊपर लगा हुआ है, आप कॉल करके पूछो. तो कोई भी क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप लोग कॉल कर लो, वो नंबर ऊपर है, बता देंगे सर. ठीक है? तो चलिए अगले सेशन में हम जल्दी ही मिलते हैं अगली क्लास की तरफ. ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर. हमें आशा है कि कॉन्सेप्ट तैयार हो गए होंगे आपको साइडों का. तो 2 बजे आप लोग रेडी रहा कीजिए. ओके, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन.